सत्ता खबर पर आपका स्वागत है। सबको पता है कि चुनाव होने हैं और चुनाव होने पहले से जो एक वोटर का मन, गांव का हाल, विकास बनाम विकास और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के जो मुकाबले को लोग कैसे देखते हैं, निर्दलीय भी हैं। इसी कड़ी में बरोदा हल्का जो बड़ा हॉट हो गया है उसका गाँव आवलाना है। आज मैं बिल्कुल गाँव की गलियां, जौहर, चौपाड़, बुग्गी, महिलाओं के काम करने की हम अपनी बहुत सारी चीजें कैमरे में कैद करेंगे, लोगों से बात करेंगे। इस कड़ी में मैं अभी जब एक जोहड़ पर एक महिला से मेरी मुलाकात हुई, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, सारा घर का काम संभाल रखा है आपने? आप ना देखो और खुशी। थैंक यू। चुनाव होना है और ले 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 हो जाती है गाँव में, यहाँ सच में बताना किसका माहौल चलता है? बिरोधा हल्का का तो ये गांव है, दो पार्टी है, निर्दलीय भी है, तो किसके सुनते हैं आप ज्यादा? आम तो इस कांग्रेस वाले की सुनते हैं जी। जो ये कैंडिडेट का पता है कौन है? ये बालू जी। अच्छा, अवलाना में है वहाँ कुछ माहौल? और का तो जी मैं पता नहीं, पर यहाँ तो अपने एरिया में है। वोट अपनी मर्जी से करते होंगे ना? हाँ, ये तो नहीं दबाव तो नहीं होता? दबाव नहीं जी किसी के, वोट आगे तो कोई दबाव नहीं। अच्छा, बड़े नेता में किसको देखना पसंद करते हैं? बड़े नेता जो कांग्रेस के, जैसे ये तो हो गए एमएलए आपके कैंडिडेट, बड़े नेता में किसको जानते हैं? ये तो जी पता नहीं। एक तो हो गया नायब सैनी, एक हो गया भूपेंद्र हुड्डा, दो हैं बड़े नेता कांग्रेस के, भूपेंद्र हुड्डा और भाजपा के नायब सैनी। तो किसका नाम ज्यादा सुनते हैं आपने? भूपेंद्र की सुना है यार जी। इस गाँव में खेती पर ही डिपेंड है। भाई साहब कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये गांव में चारों तरफ पोस्टर, झंडे, डंडे और ले 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 और ये सुबह से शाम गाड़ियों की, चुनाव तो नजदीक आ गया। अहुलाना में किस तरह का लग रहा है आपको, क्या रहेगा इस बार? अहुलाना तो यू चल रहा है, इसका है किसका किनारे का अच्छा। इस बार निर्दलीय बड़ी टक्कर दे रहा है, जो आपके कथुरा सिंह है, डॉक्टर कपूर नरवाल भी बता रहे हैं कि टक्कर दे रहे हैं, ऐसा है ना? किसे टक्कर लो तो रही को ना अवला ना नहीं इधर जो देखियो ही वाह होगा जब। अच्छा, आना है जिसको यहाँ। अच्छा, मैंने कल एक गन्नौर के गांव में थी भाई, तो वहां मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि निर्दलीयों का कोई भविष्य नहीं है, लोगों की बात। यहाँ क्या सोचते हैं लोग कि भी निर्दलीय का माहौल ठीक है या निर्दलीय होना ठीक है या नहीं? ना, इस गांव में तो है नहीं जी निर्दलीय। अच्छा, इस गांव में तो बल हो गई है लहर, ज्यादातर लोग बनाते हैं बैठकर लहर। और थोड़ी देर में हम एक दूसरे छोर पर चलेंगे और बड़ा ऐतिहासिक सा गांव है, गठवाले बोलते हैं ना जिनको, गठवालों का गांव है ये, और दादा घासीराम बड़े न्यायप्रिय होते थे। ये गांव दादा घासीराम के नाम से ज्यादा जाना जाता है। यहाँ 2000 में कोऑपरेटिव शुगर मिल लगाया गया और रोजगार के थोड़े से अवसर बढ़े थे, लेकिन विवादित भी रहा कई चीजों में। एक भाई और आए हैं, शायद मुझे ही देख के आए हो। कहाँ जा रहे थे आप? मंदिर। अच्छा, चुनावी माहौल का क्या कर रहे हैं लाने वाले इस बार? कपूर न बनाओ, ये कपूर को बनाने वाले। गाँव में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने काफी लोगों से पूछा तो काम भी कपूर ने बना हुआ है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबके अपने अपने मत हैं, कुछ लोग निर्दलीय को भी पसंद करते हैं। और एक ट्रैक्टर आने लग रहा है, ये तो बड़ा सजावट का ट्रैक्टर है, शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के झंडे बैनर लगे हुए हैं। चलो नजदीक आएगा तो कमल दिखाते रहना, किसी दूसरे छोर पर चल के बात करते हैं। ना, एक बार इसको रुकवा लो थोड़ा नजदीक से। रोक रहे, रोके। आओ कमल, थोड़ा नजदीक से देखते हैं। भाई बड़ा आरसिंगार कर रखा है ट्रैक्टर का। हाँ जी, बड़ा आरसिंगार कर रखा है। क्या प्रोग्राम है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके लिए ये कहाँ जा रहे हैं आप? तुम बाबू को लेने जा रहे हैं? कहाँ से? वहाँ मोड़ से बाबा के लिए। ये दीवान की भी देख सकते हैं एक प्रत्याशी के प्रति, और ठीक है उनको लेने जा रहे हैं ये, और किसी दूसरे छोर पर लोगों से बात करेंगे हम। प्रत्याशी तो कोई जो भी हमें मिलेगा फिर देखेंगे। काफी
सम्मानित लोग बैठे हैं आहुलाना के, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो धीरे धीरे रंग चढ़ता और मुद्दों पर गंभीर होता जो चुनाव है, इस पे आहुलाना के ग्रामीण कितने गंभीर हैं। बरोदा हल्का इस बार पूरे हरियाणा में बरोदा हल्का की पे नजर है कि इंदुराज को दूसरी बार कांग्रेस ने मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं किशन सिंह सांगवान के बेटे, इससे पहले किशन सिंह सांगवान अक्सर आहुलाना गांव से जीत कर जाते थे, उनकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदला, पार्टियों के अपने एजेंडे बदले, चेहरे बदले, जानने की कोशिश करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। आहुलाना बड़ा ऐतिहासिक गांव है, दादा घासी का गांव है। दादा घासी का गांव है क्या? और वाला बड़ा ऐतिहासिक है। हाँ। लेकिन हम जो है ना भूपेंद्र हुड्डा को बनाना चाहते हैं, हम कांग्रेस को चाहते हैं। कारण? कारण तो ये है, काम किए हैं, पीजीआई खानपुर बनाया, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कॉलेज बनाए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये कारण, ये कारण है आपके हाथ में? हाँ, नहीं जो है ना इनके राज में एक हफ्ता चलती थी, हुड्डा के राज में 41 दिन चलती थी। पानी, नहर का पानी सबसे बुनियादी जरूरत है किसान के लिए। भाई आप रिटायर हो गए हैं, रिटायर होके किसको सेवाएं दे रहे हैं, कौन सी पार्टी को? एक तो कांग्रेस को दे रहे हैं। अच्छा, क्या आपने भी लंबे टाइम सेवाएं दी हैं सरकार की? तो 38 साल नौकरी की है, एसडीओ से रिटायर आया हूं। अच्छा, जो रिटायर अधिकारी ना वो ज्यादातर टिकटों की सोचते हैं, आपने नहीं मांगी टिकट? टिकट 100 करोड़। मैं बाबूजी बैठे हैं, ये आप ही संभालें और कैमरे की तरफ बोलें। ये बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस का माहौल है, टक्कर किसकी लग रही है? आप बड़े हैं और बहुत नजदीकी से ये चीजें समझते हैं। पहले तो ये दिन भी जब थोड़े ये चले थे कपूर जो शुरुआत में, तो उसके बाद जो दो गण बढ़ते गए हैं, कपूर डाउन होता चला गया। जो हम भी गाँव में घूमे हैं, 5-10-15-20 गाँव में गए हैं। हाँ, गए, खुद गए हैं वहाँ, देखा है। तो पोजिशन इनकी होते भाई, ये क्या करेंगे सरकार में, जो होगा जो इस एरिया के काम करवाएगा, आ रहा करता जा रहा है, आ रहा करवाऊंगे। अगर भालू आ जाएगा तो हमारे साथ कांग्रेस के साथ हमारा कुछ अच्छे तालुक, अच्छे संबंध है, तो हमने मतलब काम होंगे हमारे, तो इतने तो हमने कह दिया। अरे पानी की समस्या, पानी के कृष्ण उठा था यहाँ, तो उस समय नहीं लगा था जो, फिर पानी जो आ गया योगेश्वर दत्त, उनके डेथ हो गई कृष्ण उड्डा की, तो इसकी वजह से हमारा भी पानी लग गया। कृष्ण उड्डा जाने के बाद पानी ले गया हमारा, तो ये ट्यूबवेल जो लगा है, तो इस कर्खन ये पानी तो ये लगवा दिए, तो और तो काम नहीं चला कोई, बस जो सजो शाम काम हो वो भी हो, तो दिखा है तो भी नहीं होया है। अच्छा, मैंने नमस्ते भाई, कैसे हैं मलिक साहब? मैंने एक बात और देखी कि भूपेंद्र हुड्डा आजकल सीधा रथ से निकलते हैं और एक बात बोलते हैं कि भाई इनको डाली वोट, एक एक वोट मुझे मिलेगी। क्या बात है, प्रत्याशियों के चेहरों को कोई पसंद नहीं कर रहा कि वो डायरेक्ट अपने लिए वोट मांग रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। उनका कहना, जैसे 10 साल पीछे हुड्डा साहब की सरकार रही हरियाणा में, पार्टी हाईकमांड ने जो फैसला लिया था उसके अनुरूप हुड्डा साहब ने जितने जनहित के कार्य किए, अब कोई भी मुख्यमंत्री होगा, सरे मुख्यमंत्री का जाएगा, चाहे वो विधानसभा का जिस भी मंत्री हो किसी भी हल्के से, लेकिन सरे मुख्यमंत्री को जाता है, ग्रांट जाती है। अब लोगों का विश्वास हुड्डा साहब पे टिका है, हुड्डा साहब ने किसी को नाराज नहीं किया, हुड्डा साहब से नाराज हो गए उसके साथ गद्दारी करके कोई निकल गया, और वो धक्के खाते हैं, चाहे विनोद शर्मा है। लेकिन उसमें दो खास बात हमने देखी, एक तो वो बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर है, जिसने भी पर्सन चिन्ह लगा, चाहे गोपाल कांडा था, चाहे मन्नू शर्मा था, विनोद शर्मा हुड्डा साहब के खासम खास मंत्रियों में थे, लेकिन उन्होंने उसी टाइम त्याग पत्र दिला के एक मिसाल कायम करी, गृह मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करना, ये बहुत बड़ी खूबी है, समाज जानता है। मतलब ग्रामीण है या वोटर है, बहुत नजदीक से इस चुनाव को लेकर मुझे काफी लोगों में बड़ी गंभीरता नजर आ रही है कि मुद्दों को बड़ा देखते हैं और भूपेंद्र हुड्डा पर थोड़ा सा ज्यादा ही सारा है। बैठा रखी है औरतें यहाँ, उसने अपनी माँ बहनों की इज्जत का ही नहीं बेरा, तो वो क्या कहेगी?
उसने बयान तो देखते होंगे भाई, राजनीति के बारे में कंगना, कंगना के बयान देखे? देखे हैं उसके बयान, वो तो सीरियस नहीं लेना चाहिए उसके बयान को, वो सीरियस लीडर ही नहीं है। यहाँ तो जी उनका नाम भी ले रहे भाई दीपेंद्र के मजबूत हाथ करे जाएंगे। अच्छा अच्छा, दीपेंद्र से कितनी बार मिले हो आप? तो मिलते रहते हैं उनसे। कितना पसंद करते हैं आप लाना के? बच्चा बच्चा दीपेंद्र का समझ लो, उसने ज्ञान है उनकी। रोटी भी और कौन भी होंगे ना, वो भी सड़क पर चली जा हजार बद पंद्रह सारे सब इतने पसंद है। पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा नेता कहीं पैदा नहीं हुआ। और अच्छा, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि 9.5 साल में हमने जो काम किया 70 साल कांग्रेस ने नहीं किया जो हमने किया। 70 साल की बात नहीं जी, 10 साल में अगर जब कोई भी कितने ईंट लगाई हमने तो बता दो। थोड़ा सा इधर आ जाए कैमरे के आगे। अगर जब 70 साल का तो बहुत भविष्य बनाया हमने, सारा देश का सुधार करा हमने, कदे को नहीं जानता हो, लेकिन इन 10 साल में एक ईंट भी कितने लगाई है ना हमने बता दिया। बेचे बेचे है ना नौकरी मारी बेचती, मारे बाल हमारे साझी भी नहीं होगी। 4 साल वाले मैं वहां पर गया था अपना गुरदासपुर, वो बोल रहे हैं भाई हम तो 4 साल के लिए आए, हम बदलने के लिए नहीं आए, कोई नहीं जाता ड्यूटी पर। जो 15 साल वाले जो 12 साल वाले सूबेदार मेजर सारे झोला ठहरे रहे हैं, वो उसमें लौटे रहे, रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क नहीं ले रहा, लोगा हम कम ड्यूटी नहीं दे रहे, ड्यूटी नहीं दे रहे। गुरदासपुर में जाकर देखो, मैं खुद अपनी यूनिट में जाता हूँ, आप प्रेसिडेंट जी के पास, जो बोले भाई हम मरने के लिए नहीं आए, हम तो यार मजे लेने के लिए आए, अपना 4 साल में लेगा पीछे और आड़ा गोली चलाना सीख जाए। लेकिन 2 दिन पहले आपने बयान सुना होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह का, कि जब ये आएंगे अग्निवीर हम इनको नौकरी की गारंटी दे रहे। गारंटी की तो पैदा ना रहा, गारंटी कहाँ से होगी, पैदा ना होगा समझिए। और क्या, जब एक बार था जब ये राजा नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, जब वो राजा नहीं रहेगा तो ये नौकरी कहाँ से देंगे, लिखित में है को, लिखित में है कोई? अच्छा, जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, 2000 रुपए पर मंथ महिलाओं के खाते में सस्ता सिलेंडर, बहुत संकल्प पत्र देखा होगा भाजपा का, अच्छा हाँ। संकल्प पत्र बता रहे हैं। अच्छा, वो तो कांग्रेस का है पहले से, बीजेपी का जो कांग्रेस वो तो कांग्रेस का है जी, जो देन उन्होंने बना रखा ना उनके पत्र, नकलदारी देना कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं देना जी, भाजपा ने कुछ नहीं देना। 9.5 साल में खट्टर साहब ने कहा हमने हरियाणा में विकास करवाया है, लेकिन आज उनकी फोटो भी कहीं मिलती नहीं, स्टेजों पर काम उन पत्रों में कहीं भी उसकी फोटो नहीं मिलती। इतना विकास करा, अगर इतना विकास कराया होता तो वो क्यों चेहरा बदला गया, क्यों दूसरा चेहरा लाया गया वहाँ? हरियाणा के अंदर तो हुड्डा साहब रोड उन्होंने कहीं तक गली नहीं लगी इस बीजेपी तक। अच्छा, दूसरी बात बीजेपी की बात ये है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चे किस रास्ते से कहाँ विदेशों में जा रहे, कोई मर जाता कोई पहुंच जाता है। तीसरी बात इनने ये बताया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो है, है ना नारा, उस बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का फायदा क्या? जो बेटी जो देश का नाम कमा रही है, जो देश को बचा रही है, जो देश की शान है, उनको देश जंतर मंतर पर बेटे पटवटे खींच रहे उन बेटियों के, ये बीजेपी सरकार है, ये उस सरकार का रहने का कोई साक्षात नहीं है, उसको रहने का अधिकार नहीं है देश के अंदर। राजा का मकसद होता है उसकी प्रजा सुखी हो, जो प्रजा को तो रगड़ के तोड़ के जा रहा है देशों में, कितने हजार करोड़ डॉलर, कितने लाख हजार करोड़ डॉलर विदेशों में बांट रहा है यो, और टोटे मर रहा देश, राजिया देश ने क्या का मोदी है यो, कुछ मोदी नहीं, देश को जीरो में कर रहा है, बेच देगा, बेच दिया भाई। इनका गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जब चुनाव होगा और मतगणना होगी, जब मत पेटियां खुलेंगी तब पता चलेगा ये गुस्सा है जो, ये किस पर जाकर मोहर लगाएगा और किसका डिब्बा गोल करेगा। में हम कई चौराहों पे बात करते करते यहाँ पहुंचे, तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल लंबे काफिले के साथ आए, लगातार 3 घंटे से उनके इंतजार में ये गांव की महिलाएं हैं। ऐसा लगता है कि इनको मेरे ख्याल में हुड्डा और भालू के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा ना जी, हमने तो भालू बनाकर आज तो कांग्रेस तैयार नहीं पार्टी, हाँ कति भी, हाँ क्या खास बात
कमल आदमी है, कमल आदमी है। सब कुछ खा के बैठ के बीजेपी। आज देश के प्रधानमंत्री गोहाना गरज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से बच कर रही है, इन्होंने दामादों को और दलालों को जमीन बेच दी। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये तो हमेशा इतमे रहे हैं जी। बीजेपी ने क्या कर दिया हमारा? कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस पार्टी सब कुछ कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने बेचा तो अपने बेचा है, बीजेपी का कुछ नहीं बेचा। अपने बच्चे खपाए है उड़ बॉर्डर पे, सातों बच्चा ने खपा के बैठ के घर रोते पीटते माँ बाप रह गए। क्या मिल गया उन्हें? कुछ नहीं दिया। क्या कर दिया बीजेपी ने? और क्या कर सकती है बीजेपी? कुछ भी नहीं कर सकती। रोड पे ला दिया किसान ने और महिला का बड़ी दुखी कर रही है। महिला परेशान कर रखी है, हर जगह महिला परेशान, हर जगह महिला परेशान है। रह रहेंगे बीजेपी बिक रहे होंगे मीडिया, हम नहीं बिक रहे। कांग्रेस के थे पहले भी, आज तक भी कांग्रेस के, रह के भी कांग्रेस के, हमारे साथ कांग्रेस कुछ भी करो, हम कांग्रेस के हैं। बाप रे, इतना गुस्सा है बीजेपी के प्रति इनको। और भूपेंद्र हुड्डा से अलग ये पसंद नहीं करती किसी की बात करना। बीजेपी बीजेपी किसने जाना है? बीजेपी तो कांग्रेस का नहीं। एक एक करके आपकी बात समझ में आ जाएगी। एक एक करके आप बोलेंगे, एक एक करके बोले। अभी हम तो कांग्रेस के साथ हैं। हम तो ये उम्मीद चाहना है कि हमारी कांग्रेस पार्टी बन जाए और हमारी सब क्या है कि सभी हो जाए। हम तो हाथ जोड़ कर अपनी कांग्रेस पार्टी लेना चाहूँगा। अच्छा, इस बार मुकाबले में मैं अभी लोगों से, काफी लोगों से बात कर रही थी, मुकाबले में कह रहे थे कि बीजेपी से नहीं, निर्दलीय भी हैं यहाँ से डॉक्टर कपूर नरवाल, तो मुकाबला किससे मानते हैं? देखो, जब आप इतनी सारी चीजें जानते हैं तो आप मुकाबले की भी बात बता सकते हैं। कांग्रेस का मानना है मुकाबला, कांग्रेस से तो आप कोई। कांग्रेस का मुकाबला किससे? ये नरवाल से ही है। जीतेगा नहीं फिर हारेगा, जीतेगा नहीं नरवाल। मैं यही पूछना चाह रही थी कि महिलाएं भी इन चीजों को समझती हैं। नरवाल की, कपूर नरवाल की और इंदुराज बालू की टक्कर है। बालू जीतेगा और जितावांगे बालू भाई ने, जितावांगे, जिता के कंदावांगे, जितना रहे आज जीत के हमारे नाम का। तो आज हमने जिता दिया बालू, हमारे धान डूब गया था, बालू कुछ करेगा वो बीजेपी थोड़ा करेगी। हमारा लोगैया के साथ ऐसा करे उनने, परेशान हो रहा है बालू के बगैर। किसान ने कांग्रेस को बिना कोई नहीं संभालता, किसान ने कांग्रेस संभालती है। अच्छा, आप जैसे हुड्डा की बात कर रहे थे, हुड्डा को आपने देखा है? देखा, हमारे गाँव में है, हर बार आता है, हर बार हमारे पुलिस वाले हमारे घर भी आता है। आवा है हुड्डा हमारे पास, आवा है हमारे घर भी, आवा है हमारे पर्स में भी, आवा है हर बच्चों से, बुड्ढों से, बुजुर्गों से, सबसे मिला है। अच्छा, उनकी बेटी बहन है? बेटी बहन। बिल्कुल, इस गाँव में कम से कम मुझे ऐसा लगा कि हुड्डा के प्रति दीवानगी है और भालू को भी पसंद करते हैं। इनको भालू और हुड्डा के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो मुकाबला है, ये बात भी स्पष्ट हो गई, ये बात भी स्पष्ट हो गई कि मुकाबला डॉक्टर कपूर नरवाल निर्दलीय से है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अभी मुझे कोई ऐसी हवा लग नहीं रही। आहुलाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।